फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार और आपका स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्नैक लवर पे। दोस्तों, आज हमें फॉरेस्ट ऑफिस से कॉल आई है और हम यहां मुंगेर ज़िले में डॉल्फिन पार्क में आए हुए हैं। और यहां थोड़ी देर पहले लोगों ने यहां काम करते समय एक कोबरा स्नैक को देखा है, एक बड़े स्नैक को देखा था। तो हमने आकर देखा दोस्तों, तो वो एक कोबरा सांप है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में, हम उसका रेस्क्यू करने वाले हैं। आइए, स्टिक रेडी है। तो आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो है डब्बे के नीचे एक कोबरा सांप छिपा हुआ है। फ्रेंड्स, ये बड़ा कोबरा लग रहा है। तो बने रहिए साथियों वीडियो में, इसका रेस्क्यू करते हैं। ये कोबरा स्नेक जो है यहाँ घूमता होगा काफी दिनों से, पार्क है ये। तो और ये काफी बड़ा है दोस्तों, काफी बिग साइज स्नेक है। दोस्तों, अभी बारिश का समय है और सांपों के बिल में पानी आने के कारण जो है सांप अक्सर जो है घरों में आ रहे हैं और लोगों के लिए ये परेशानी का सबब है। चूंकि जहरीले सांप अगर घर में आ जाते हैं तो खतरा बना हुआ रहता है। और हालांकि सांप काटने नहीं आते हैं आपको, ये गलती से आपके घरों में आ जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में अगर इनके ऊपर पैर पड़ गया आपका तो ये बाइट ले लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों, आपको झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप सीधा सदर हॉस्पिटल जाकर अपना एंटी वेनम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे रेस्क्यू करते हैं इससे पहले कि ये और ज्यादा उग्र हो जाए। डब्बा लाइएगा मेरा। दोस्तों, ये सांप काफी सुंदर होता है और सांपों में राजा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एग्रेसिव होने पर यह भागता नहीं है बल्कि अपना हुड फैला के जो है सामना करता है और लड़ता है, लेकिन अक्सर इसी कारण यह मारा जाता है। चलिए हम इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
फ्रेंड्स फाइनली आपने देखा हमने काफी अच्छी तरह से इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू कर लिया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा ये रेस्क्यू वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो सांप बचाने की मुहिम में हमारा सहयोग करें दोस्तों, हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।